कोटद्वार और दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के बीच आज से रात्रि रेल सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से इस सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। यह ट्रेन रात को 9:45 पर कोटद्वार से चलेगी और सुबह आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वहीं इसकी वापसी दिल्ली से रात करीब 10 होगी और सुबह लगभग 4 कोटद्वार पहुंचेगी। इस अवसर पर विधायक रितु खंडूड़ी भूषण और सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। कोटद्वार से दिल्ली और दिल्ली से कोटद्वार बहुत बढ़िया टाइम के साथ भी है, लोगों को उसका फायदा होगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी हैं, अनिल बलूनी जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। लंबे समय से इसकी डिमांड रही है और बहुत मेहनत के बाद ये ट्रेन हमको मिली है, तो आज बहुत ही खुशी का दिन कोटद्वार के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने रेल मंत्री अश्विनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया, हमारे यहाँ की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी, हमारे अनिल बलूनी जी, सभी लोगों ने मिलकर के प्रयास किया है और वो सफलता आज हमको मिली है, उस अंजाम तक हम पहुंचे हैं, ये पूरे गढ़वाल को इसका लाभ मिलेगा। इस रात्रि रेल सेवा की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। इसके शुरू होने से पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले लोग अब आराम से दिल्ली की यात्रा कर सकेंगे, साथ ही स्थानीय व्यापारियों को भी इससे फायदा होगा।